हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वीलॉग और मामा में। और मैं आपका फ्रेंड आकाश सिंह आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। सुबह सुबह है, सो के उठा हूँ और कुछ फैसला कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि अब से ना, मतलब इस काम को वैसे भी मैं सीरियसली ले रहा था और थोड़ा सीरियसली लेते हुए अब ना ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीलॉग दे सकूँ, जिसके लिए मैं बहुत दिन से सोच भी रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर भी रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग निकालने के लिए मेरे को करना क्या होगा। तो मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और अब से मैं आपको कोशिश करूँगा कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग दे सकूँ। तो आज अभी अभी उठा हूँ और जस्ट निकला हूँ और थोड़ा सा पैसे निकालने के लिए पहले तो ATM चल रहा है, तो ATM चलो। तो अब थोड़ा सा फ्रेश व्रूश हो के आ गए हैं, पैसा निकालने गए थे, हो गया काम, निपट गया, पैसा तो निकला नहीं, पता नहीं क्यों ATM में प्रॉब्लम आ गई और ATM हैज बीन ब्लॉक टेम्प्ररी दिखा रहा था। तो उसके बाद फिर बैंक जाने बोला और आज है सैटरडे तो बैंक अपन जा नहीं सकते हैं, तो आज पैसा कोई बात नहीं, पर कहीं ना वैसे इतने ज़रूरी नहीं था, थोड़ा बहुत निकल जाता तो ठीक होता। अब बात ऐसी है कि अभी आगे कोई प्लान नहीं है, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ नगर निगम के सामने और नगर निगम में देखते हैं कुछ काम है तो निपटाते हैं, फिर कुछ करते हैं, जो करना है नहीं करना है तो कुछ नहीं करते हैं फिर बताते हैं। हाँ, ये है कि हर्ष आ रहा है बिलासपुर और वहीं रुकेगा अभी 3-4 दिन और कल है राखी, तो वो तो वहीं रुक रहा है, उसका प्लान है वहीं रुकने का 2-3 दिन के लिए। हम मेरे को भी बोल रहा है कि वहीं आ जा, हमारा एक दोस्त है प्रांजल, वो भी वहीं पे, वहीं शिफ्टेड है वो, तो उसी के यहाँ पर रुका हुआ है, उसी के स्टे कर रहा है, तो वहीं पर स्टे करने आसपास कहीं चलेंगे घूमने, 2-3 दिन रुकेंगे, छुट्टियाँ मना लेंगे बोला है। तो आज बुलाया है, शनिवार है, आज तो शायद नहीं जा पाऊँगा, आज थोड़ा काम है, पर मे भी कल राखी वाले दिन मैं शायद बिलासपुर निकलूँ। तो देखो, अब अगर कल हो पाया तो बिलासपुर जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा कल जाना होगा, नहीं जाना होगा तो भी आपको पता चल ही जाएगा कि नहीं जाना हो रहा है। आज का क्या प्लान है वो अभी मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ का कोई प्लान पता ही नहीं रहता, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग कुछ काम से, मतलब मैं अभी कुछ काम से आया था, गांव आया था धामनसरा पास में ही है सिटी से, कुछ व्यू नहीं दिखाने आया हूँ, ऐसे ही घूमने, मतलब कुछ काम से आया था, तो मैं बोला चलो आपको भी दिखा देता हूँ, अच्छी जगह है। और मतलब क्या है, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है तो जगह इतनी सुंदर दिख रही है, देखो पूरा खेती बाड़ी, अभी मस्त धान की खेती हुई है और इसको यह ना रोपा रोप दिया है, इसको बोलते हैं रोपा रोपना, ये पूरा अभी चावल है, ये यहाँ पर पूरा चावल उगेगा ये सारा में, और बहुत सुंदर दिख रहा है अभी खेत और गाँव, क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है। तो तो यहाँ जहाँ गांव आए थे, मैं नाम भूल जाता हूँ गांव लोगों के नाम, तो ये भी जो भी गांव था जो आपको पहले बताया, तो आए थे वहाँ, मेरा काम निपट गया है और एक ये तालाब के पास थोड़ा सा व्यू पॉइंट है तो थोड़ा सा व्यू लेने बैठ गए यहाँ पे, और बैठा हूँ बस, निकलूँगा यहाँ से, ऐसा कुछ अब है नहीं खास, और 2 बज गए, यहाँ का काम निपट गया मेरा, अब जा रहा हूँ राजनांदगांव, देखता हूँ कुछ और काम है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं।
अचानक बारिश तेज हो गई बहुत ज्यादा, लग जा रहा था बारिश गिरेगी सुबह एकदम देख के मौसम पर, अचानक इतना तेज एकदम से। बारिश ऑलमोस्ट बंद हो गई भाई, एकदम इतना तेज गिरी ना, एक एक रुक भी नहीं पाया। दिखाया मैं आपको एक जगह पे बात करने की कोशिश कर रहा था बारिश गिरते में, तो आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी बारिश की वजह से। तो अभी जस्ट बंद हुआ है, यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले फिर से गिरने लगे। एकदम बंद नहीं हुआ, हल्का हल्का गिरी रहा है बारिश, पर ठीक है। तो फंस गए थे एकदम से, इतना तेज गिरी ना बारिश, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, हल्का हल्का भीग गया हूँ मैं, पर ठीक है, इतना चलता है। चलो फिर अभी निकलते हैं भैया, नहीं तो और बढ़ जाएगा इससे पहले। पहुंच गए वापस शहर, अब अपने मतलब इमाम चौक में आ गया हूँ मैं, नगर निगम के सामने खड़ा हुआ हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सुबह। तो चलो अब देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 3 ऑलमोस्ट, और मैं घर जाता हूँ, पहले खाना खाता हूँ फिर देखते हैं और कुछ करने के लिए। अभी भी बारिश हो रही है, मैं घर आ गया हूँ फाइनली, तो अब खाना खाऊंगा, भूख लग रही है। पहले तो ना सारे काम निपट गए और बारिश बंद नहीं हुई, चलो अच्छा लगा आज एक दिन भीगे, मैं 2-3 बार ही भीग पाया इस बारिश में, और भीगना भी जरूरी है तभी तो बारिश का पता चलता है कि बारिश आई थी और ठंड आने वाली है। चलो अब खाना वाना खाते हैं पहले। तो भाई शाम हो गई, शाम डलते डलते अंधेरा हो गया, मतलब शाम के अंधेरा ही हो गया, 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट, मेरी शाम हो गई है। और अब मैं एकदम नहा धो के घर से फ्रेश होके गीला हो गया था, कपड़े वगैरह चेंज करके निकला हूँ, और अब ऐसे फ्रेंड लोगों के साथ हैंग आउट करने जा रहा हूँ, तो अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं आपको। और अपने शहर की वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ, देख लो आप पीछे क्या नज़ारे दिख रहे हैं तालाब के। और जो मेरे वीडियोस मेरे को फॉलो कर रहे हैं, पहले सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जानता है इस जगह को, देखा हुआ है उसने मेरे कई वीडियोस, मेरे कई व्लॉग यहीं से शुरू होते हैं, कई व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो आज का भी व्लॉग यहीं पे ख़त्म होने जा रहा है आपके साथ। और इसी तरह मैं आपको वीडियो, और हाँ मेरे अगर अपने पुराने व्लॉग अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो जाओ भैया जाके उसको चेक करो, पुराने व्लॉग्स देखो मेरे जाके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाकई में इतना क्या कष्ट होता है आपको सब्सक्राइब करने, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हाथ से सिर्फ ऐसा दबाना है सब्सक्राइब, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें भैया। तो जाओ सब्सक्राइब करो और बगल में बेल उसको प्रेस कर दो, ताकि अपडेट भी मिलते रहें, और मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको बनाऊं, मेरे को हौसला मिले। क्या आपके सब्सक्राइब करने से ना फ़ायदा अभी कुछ नहीं हो रहा है, फ़ायदा ये है कि मेरा ना मनोबल बढ़ रहा है, हौसला बोलते हैं ना, हौसला अफजाई हो रहा है। तो ये ऐसे हौसला अफजाई करने के लिए सही भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसे ही आपको वीलॉग देते रहूँगा। और अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीक में वीलॉग दे सकूँ, जो भी स्पेयर टाइम थोड़ा बहुत भी मिलता है दिन में, उसमें थोड़ा बहुत आपके लिए व्लॉग बना सकूँ, 1-2 घंटा आपके लिए काम कर सकूँ। तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, अलविदा दोस्तों, आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर।